नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल टेबल के बारे में। आप एक्सेल तो यूज करते होंगे, लेकिन टेबल एक ऐसी चीज है, एक बार सीख जाओ आपको बहुत उसका फायदा होगा। क्या फायदा है? अभी के लिए ये सब देख लो, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट तो दिन के आराम से बचेंगे और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। पहले का आपने अगर वीडियो देखा होगा तो हमने समझा है कि क्लीन डेटा या अच्छा डेटा किसको बोलते हैं, जिससे एनालिसिस करना आसान होता है। उसके हमने 10 रूल बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले देख लीजिए, उससे आपको ये वीडियो समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अभी हम जो काम करते हैं वो काम तो हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह से हो रहा है कि इनएफिशिएंटली हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो करने के लिए 3 सिंपल तरीके हैं। कोई दूसरा आपके पीछे बैठ के तो बताने वाला है नहीं कि ये सही है कि गलत है, खुद को ढूंढना है। सेल्फ ऑडिट बोलते हैं उसको। तो कैसे समझते हैं? अगर आप सेम चीज हर बार कर रहे हो तो शायद वो गलत है। दूसरा चीज है, हाथ यूज कर रहे हैं कि दिमाग यूज कर रहे हैं। हाथ यूज कर रहे हैं, दिमाग ऐसे ही बैठा है, इसका मतलब गड़बड़ है। और तीसरा है, कौन किसको मदद कर रहा है? आप एक्सेल को मदद कर रहे हैं कि एक्सेल आपको मदद कर रहा है? ये भी जरूरी है। जैसे हम वीडियो देखेंगे आगे, आपको ये समझ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है पहले देखते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल चीज है। यहां क्या है? सिंपल 3 नंबर्स है, उसका ये फॉर्मूला है, उसके ऊपर ये चार्ट बना हुआ है और उसके ऊपर एक पिवट टेबल है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी अगले महीने में क्या होगा, मैं अप्रैल का डेटा डालूंगा, ठीक है? मेरा काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ? काम बढ़ गया। अभी मुझे ढूंढना है कौन से फॉर्मूला जाके चेंज करो, कौन सा चार्ट का रेंज चेंज करो, कौन सा पिवट का चेंज करो। अगर किया तो मेरा काम बढ़ रहा है, अगर नहीं किया तो वो डेटा गलत हो गया, दोनों साइड से मेरी वाट लग रही है। सो ये बोलते हैं कौन किसको मदद कर रहा है। मैं एक्सेल को क्यों मदद करूं? एक्सेल को मैंने बोल दिया अप्रैल में 98 है, आगे काम मेरा है कि उसका है, ये हमको सोचना जरूरी है। वही मैं बोल रहा हूं, कौन किसको मदद कर रहा है। सो ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? डेटा डालने के पहले हमको कुछ करना है और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्सेल टेबल्स। सो ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट मेनू में जाके टेबल चूज किया। अभी वो क्या बोल रहा है? इस में हेडर है क्या? हेडर तो है, मंथ और क्वांटिटी हेडर है। ओके बोल दो। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, नीला कलर डाला उसने, उससे कुछ फायदा नहीं। लेकिन अभी देखो, मैं वापस अप्रैल का डेटा डालूंगा। अप्रैल का डेटा डालना मेरा काम है, बाकी सब एक्सेल का काम है। अभी देखो एक्सेल ने क्या किया, अपना काम किया, फॉर्मूला भी चेंज कर दिया, चार्ट भी चेंज कर दिया। अगर मैं क्वांटिटी के बाजू में कुछ डालूं, वो भी उसको समझता है, समझो इतने बेचे इतने वापस आ गए आइटम। सो इधर मैंने कुछ डाला, देखिए चार्ट चेंज हो रहा है। अभी एक्सेल मुझे हेल्प कर रहा है। एक चीज देखो, पिवट टेबल का नंबर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? पिवट टेबल में जाके राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश बोलना पड़ता है, क्योंकि पिवट टेबल जैसे डेटा चेंज होता है तुरंत चेंज नहीं होता, उससे स्लो हो जाएगा एक्सेल, इसलिए हमको एक बार जाके रिफ्रेश बोलना है। बस काम हो गया। तो ये था प्रॉब्लम और ये हुआ सॉल्यूशन। सो अभी एक्सेल ने जो किया उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? अगर मैंने कुछ चेंज किया तो उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, उनको जाके चेंज करो। जो हमारा जिम्मेदारी था पहले, अभी हमने एक्सेल को बोला, बॉस खरीदा किसने किसको है? मैंने एक्सेल को खरीदा है, एक्सेल ने मेरे को नहीं। तो अभी एक्सेल अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो, बात खत्म। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। नाउ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? डेटा सेलेक्ट करो और इंसर्ट टेबल बोलो या कंट्रोल टी दबाओ। सो ये डेटा है। एक्चुअली अगर डेटा क्लीन है तो सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डेटा के अंदर क्लिक करो और इंसर्ट टेबल या कंट्रोल टी। अभी इस डेटा में क्या है? इधर हेडर ही नहीं है उसको, कोई टेंशन नहीं, कंट्रोल टी दबा के देखते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है? टेबल को हेडर नहीं है, उसको समझा है बराबर।
ठीक है, ओके बोल देना। वो हेडर फिर भी डालेगा क्योंकि एक्सेल को टेबल में हर कॉलम को हेडर होना जरूरी है। उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। रूल क्या है, हर कॉलम को हेडिंग होना चाहिए और हेडिंग उस टेबल में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। बस अभी ये तीसरा देखें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। डेटा तो है लेकिन डेटा के ऊपर और नीचे कुछ चीज है, वो डेटा नहीं है। ऐसी जगह पे हमको जाके सिलेक्ट करना पड़ता है। सो सिलेक्ट पहले करो, फिर कंट्रोल टी दबाओ। हो गया, डन। अभी ये डेटा देखो, इसमें ऑलरेडी हाथ से डाला हुआ फॉर्मेटिंग है। क्यों, किसी ने डाला है कलर, बोले अच्छे दिखता है। अभी मैं टेबल बनाऊंगा तो क्या होता है, टेबल अपना ब्लू कलर जो भी है डालने का कोशिश करता है, लेकिन हमने डाला हुआ कलर है वो निकाल तो नहीं सकता है, वो चुप बैठा है। अगर आपको ऐसे चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, रख दो। अगर टेबल वाला कलर चाहिए तो यहां से जाके चेंज करने से कुछ हो नहीं रहा। तो क्या करना है, जब कुछ समझता नहीं है तो राइट क्लिक करने का। राइट क्लिक करके देखो क्या बोल रहा है, अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अभी तुम्हारा जो हाथ से डाला हुआ फॉर्मेटिंग निकल गया, अभी टेबल वाला फॉर्मेटिंग चलेगा। अभी इसको देखो, अभी ये वाला थोड़ा गड़बड़ है। अगर हमने पहले वाले रूल्स देखे, हमारा 9th या 9वां रूल क्या था, फॉर्मेटिंग और मतलब साथ में नहीं होना चाहिए। इस येलो कलर का, ये पीले कलर का कोई मतलब है? अगर हमने फॉर्मेटिंग निकल दिया अभी, वो मतलब भी निकल जाएगा। सो उसके पहले हमको ये मतलब अलग कॉलम में डालना पड़ेगा। अभी मैंने मीनिंग जो था लाल पीले का वो तो डाल दिया, मतलब समझ गया। अभी उसको हम टेबल बना सकते हैं और टेबल का फॉर्मेटिंग डायरेक्टली डाल सकते हैं। हमारा फॉर्मेटिंग गया तो भी कोई टेंशन नहीं। सो राइट क्लिक, अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, डन। बहुत बार डेटा लंबा होता है और उसमें हमको फॉर्मूला कॉपी करना पड़ता है, वो भी हम ढंग से नहीं करते हैं। करते हैं, काम होता है, लेकिन एफिशिएंटली है कि नहीं वो कोई देखता ही नहीं है। काम हो रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा एटीट्यूड है। ये देखिए, इतना बड़ा डेटा है, मुझे टैक्स पे करना है, 5% टैक्स देना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो डाल दिया, लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं हुआ। अभी मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है, कैसे करेंगे, ड्रैग करेंगे। बहुत देर ड्रैग करना पड़ेगा ना, मेरे पास 5,000 रो है, कब तक ड्रैग करूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा। अभी सोचना है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हाथ यूज कर रहे हैं कि दिमाग यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, हाथ यूज कर रहे हैं, दिमाग कुछ नहीं, इसका मतलब गलत है। डबल क्लिक भी एक चीज होता है, ये कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करने से भी होता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। टाइम बचा ऐसा लग रहा है, लेकिन देखो ये रुकता है जब गैप मिलेगा। अभी हमको कोई गारंटी नहीं है कहाँ गैप होगा कहाँ नहीं होगा, तो चेक करना ही पड़ेगा ना। फिर वो गैप ब्रिज करो, वापस डबल क्लिक करो, वो भी तो मेहनत है। सो ड्रैग करो या डबल क्लिक करो, कॉपी पेस्ट करो, सवाल क्या है, कौन किसको मदद कर रहा है, मैं एक्सेल को कर रहा हूँ या एक्सेल मुझे कर रहा है। सॉल्यूशन क्या है, पहले कहाँ डेटा खत्म होता है वो ढूंढो। अगर एक ही डेटा होगा शीट में तो कंट्रोल एंड चलता है, नहीं तो नीचे जाके ऊपर आना, कोई तो तरीके से लास्ट रो ढूंढो। अभी मालूम है ये लास्ट रो है, तो ऊपर सेलेक्ट करो, शिफ्ट कंट्रोल होम, कुछ तो शॉर्टकट यूज करो। अभी मुझे मालूम है कि जो डेटा सिलेक्टेड है वो सही है। अभी मैं उसको हमेशा के लिए बोलना चाहता हूं ये जो है मेरा डेटा है। बाहर क्लिक करेगा ये तो सिलेक्शन निकल जाएगा, उसको परमानेंट बनाना है। कैसे करना है, टेबल हमको ऑलरेडी मालूम है, कंट्रोल टी या इंसर्ट टेबल, टेबल बन गया। अभी अपना प्रॉब्लम क्या था, फॉर्मूला कॉपी करने का, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या था, ब्लैंक जगह का। अभी ब्लैंक दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इधर ही डाल देता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला तो वही है, 5% टैक्स देना है, तो अभी मैं फॉर्मूला वही डालूंगा। क्या हुआ, मैंने सिर्फ एंटर दबाया, एक्सेल ने अपना काम कर दिया, मैंने मेरा काम कर दिया, बात खत्म हो गई। अभी आप सोच रहे होंगे ये पहुंचा क्या एंड तक, जाके देखते हैं नीचे तक गया कि नहीं। ये पहली बार है, आपको पता नहीं है कि चला कि नहीं, तो पहली बार देखना ठीक है, लेकिन ये टेबल का काम ही है। टेबल का काम है फॉर्मूला को ऑटोमेटिकली कॉपी करने का, नेक्स्ट टाइम से देखने का भी जरूरत नहीं है। सो टाइम भी बच गया और फायदा भी हुआ, एफर्ट कम हो गया।
आउटपुट ज्यादा मिल गया उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। अभी इसमें और एक है, समझो 5% का टैक्स 6% हो गया, कोई भी रो में जाओ 5 का 6 करो, सब जगह पे चेंज हो गया, इसको बोलते हैं फॉर्मूला ऑटो कॉपी। किस वजह से हो रहा है? टेबल की वजह से हो रहा है, इसलिए हम टेबल को बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त। अभी क्या होने वाला है, ये तो अभी का डेटा था, अगले महीने में और थोड़ा डेटा आएगा, फिर क्या होगा? तो ये मेरा डेटा है, 2 कॉलम में डेटा आता है, बाकी वाला मेरा फॉर्मूलाज है। अभी अगले महीने में और डेटा आया, कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा काम नहीं है। सो पहले टेबल बनाओ, कंट्रोल टी, फिर कॉपी पेस्ट करो, हेडर की जरूरत नहीं बिकॉज हेडर ऑलरेडी है, अभी एक्सेल अपना काम कर रहा है। देखिए हर चीज जो हम एक्सेल के साथ करते हैं उसमें हमारा मेहनत ज्यादा है, एक्सेल तो बैठा हुआ है, अभी हम एक्सेल से काम करवा रहे हैं। अभी ये क्या है, फ्रीज पेन, वो स्पेलिंग थोड़ा गलत नहीं है, मैंने जानबूझ के डाला है, अभी समझेगा आपको। अभी ऐसे डेटा आता है, क्या होता है, अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट अभी तो दिख रहा है, लेकिन मैं जब स्क्रॉल करता हूँ तो वो सब ऊपर चला जाता है, अभी कन्फ्यूज हो गया ना, समझ नहीं रहा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहला रो को देखते हैं, स्प्लिट करते हैं, फ्रीज पेन करते हैं। पेन का स्पेलिंग क्या है, PANE, लेकिन ये हर बार करना तकलीफ ही है ना, तकलीफ है, दर्द है, इसलिए पेन बोला। तो ये पेन अभी गया, टेबल बनाओ, कंट्रोल टी, अभी तो दिख रहा है अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो ABCD दिखने वाला है, तो अभी ABCD की तरफ देखिए, जब स्क्रॉल होता है ABCD निकल गया और अपना हेडर उधर ऑटोमेटिकली आ गया, किसने डाला, टेबल ने डाला, यही काम है टेबल का। इसमें एक चीज जरूरी है समझना, मेरा कर्सर अभी टेबल के अंदर है, अगर मैं टेबल के बाहर क्लिक करूं तो वो नहीं दिखेगा, अंदर क्लिक करूं तो दिखेगा, सिंपल है ना, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन काम का चीज है। सो बताता हूं, कभी कभी क्या होता है, हमको टैक्स है उसको बोल्ड बनाना है, तो हम ऐसा पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, अभी क्या हो गया, पूरा शीट में जाके उसने बोल्ड डाला, उससे एक्सेल का साइज बढ़ जाता है, डेटा छोटा है लेकिन साइज बढ़ गया। अभी क्या करना चाहिए था, सिर्फ वो टैक्स कॉलम को सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तकलीफ होता है हमको, इसलिए हम पूरा कॉलम सी लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो इधर कॉलम सी में एक एरो है, वो क्लिक करेगा तो पूरा कॉलम सी सिलेक्ट होता है। अभी आराम से देखो, मैं कर्सर नीचे 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 ला रहा हूं, अभी क्या हो गया, ये कर्सर जो है क्या हो गया, ये कर्सर सिर्फ टेबल का कॉलम सिलेक्ट करेगा, इससे मेरा स्पेस बचेगा और एफिशिएंट भी होगा, इसमें एम्प्टी सेल्स होगा तो भी वो पूरा कॉलम सिलेक्ट करेगा। सो ये सारे फायदे टेबल की वजह से आपको हो रहे हैं। अभी और एक चीज है, जो हमने डेटा डाला है उसमें कुछ हमको कैलकुलेशन डालना है, तो ये देखिए, ये अमाउंट है, टैक्स है, मुझे नेट अमाउंट डालना है, अमाउंट माइनस टैक्स, कहाँ डालूं, कहीं भी डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, लेकिन सोचना है क्या अगले बार, अगले महीने में सेम डेटा और आने वाला है, अगर मैं बीच में वो कॉलम डाल दिया एक्स्ट्रा वाला, तो नेक्स्ट टाइम जब कॉपी पेस्ट होगा तो कॉलम मैच नहीं होंगे ना, तो ये जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वाले कॉलम हम डालते हैं वो हमेशा आखिर में डालने हैं, लास्ट में, यहाँ डालेंगे। इसमें भी है, नाम लिखो वो कॉलम अपने आप बना देगा, हो गया। अभी फॉर्मूला डालने के लिए तकलीफ है ना, इक्वल टू तो डाल दिया, अभी अमाउंट किधर है, कौन से कॉलम में, मुझे थोड़ी याद है, तो मैं लेफ्ट एरो दबा के ऐसे जाऊंगा। हैंड या ब्रेन, हाथ यूज कर रहे हैं, ब्रेन यूज कर रहे हैं, अपना काम नहीं है ये। सो अभी एक नया बहुत स्पेशल चीज मिलेगा, क्योंकि ये टेबल है, हम फंक्शन डालते हैं तो नॉर्मली ये वाला ब्रैकेट डालते हैं, अभी टेबल के अंदर फंक्शन नहीं डाल रहे हम, अमाउंट माइनस टैक्स इतना ही बोलना है। सो अगर स्क्वायर ब्रैकेट डालेगा तो जो भी कॉलम्स है उसका लिस्ट इधर ही मिल जाता है, बहुत सही तरीका है, क्योंकि कॉलम का नाम कौन याद रखेगा हर बार। तो अभी इसमें हम पूरा कॉलम नहीं ले रहे, इस रो में जो अमाउंट है वो ले रहे हैं, तो पहला जो एट द रेट है, टैब दबाओ, फिर अमाउंट दबाओ और ब्रैकेट क्लोज करो।
रैकेट ओपन क्लोज करना अपना काम है। वापस दिस रो और इस बार टैक्स क्लोज डन। फॉर्मूला तो ऑटो कॉपी हो ही जाएगा। सो इस तरह से फायदा क्या है, ये फॉर्मूला आप देखोगे 2 महीने के बाद तो समझेगा क्या हो रहा है। अगर ऐसा फॉर्मूला नहीं होता तो क्या लिखा होता, B6 - C6, क्या याद रहने वाला है B और C क्या है। सो ये भी और एक फायदा टेबल की वजह से हो रहा है। अभी टेबल में हर कॉलम को नाम तो है ही, लेकिन टेबल को खुद को एक नाम देना भी जरूरी है। क्यों, देखते हैं। समझो ये टेबल है, हर टेबल को क्या होता है, नाम मिलता है। टेबल को नाम कहाँ दिखता है, टेबल मेनू में, टेबल डिजाइन। ये मेनू कब दिखता है, जब हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तभी। बाहर क्लिक करेंगे मेनू निकल गया, अंदर क्लिक करेंगे मेनू आ गया। उस मेनू में इधर नाम होता है। ये नाम तो एक्सेल दे रहा है, लेकिन हमारे फायदे के लिए ये नाम हम चेंज करना चाहिए। क्यों बताता हूँ। सो ये वाला लेते हैं, बड़ा टेबल है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ट्रांजैक्शन TXN। ठीक है, क्या फायदा हुआ। सो इसके 2 फायदे हैं, एक तो इस टेबल का नाम को भी हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, और दूसरा नेविगेशन, इसका मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना है एक्सेल के अंदर, उसके लिए भी ये फायदे की चीज है। देखते हैं, ये TXN टेबल में अमाउंट है। अभी इस शीट में मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, अभी क्या करेंगे, यहां तो सम डाल सकता हूं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट डाल के कुछ लिस्ट तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम टेबल के बाहर है। टेबल कहां है वो तो बोलना पड़ेगा पहले, तो टेबल का नाम इसलिए दिया हमने, तो पहले टेबल का नाम लिखेंगे। अभी सिर्फ टी बोलेगा तो सब फंक्शन आएंगे, TX बोलेगा तो नाम आएगा, अभी स्क्वायर ब्रैकेट चलेगा। अभी हमको क्या चाहिए, पूरा अमाउंट कॉलम का टोटल चाहिए, तो अभी दिस रो नहीं, पूरा कॉलम। तो इस बार एट द रेट नहीं चाहिए, हो गया, दोनों ब्रैकेट क्लोज करो, बात खत्म। दूसरी बात, अगर अगले महीने में मुझे जाके उस टेबल में डेटा डालना है तो वो टेबल कहाँ है, मेरे पास इतने सारे शीट है, मुझे थोड़ी याद है, ढूंढते रहते हैं हम। अभी क्या करना है, ये जो इधर ड्रॉप डाउन है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, उसको ओपन करो, इसमें जो भी नाम है दिखते हैं। क्या नाम है अपना, TXN, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे TXN टेबल की तरफ लेके चलो, एक क्लिक में ढूंढ के देगा। तो इसको बोलते हैं नेविगेशन का बेनिफिट। अगर आपने पावर BI वाला मेरा वीडियो देखा नहीं है तो वो देख लो, क्योंकि पावर BI में एक्सेल से डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेल फाइल चूज कर लिया, एक्सेल फाइल में बहुत सारे शीट्स हैं, शीट में बहुत सारा चीज हो सकता है। अभी पावर BI है, क्या दिखा रहा है, शीट का नाम और टेबल का नाम। पावर BI में हमेशा टेबल इंपोर्ट करना चाहिए, तो पावर BI में इंपोर्ट करने के लिए भी टेबल का फायदा होता है। अभी ये जो एट द रेट मैं बीच में यूज कर रहा हूँ, उसका एक थोड़ा और फायदा बताता हूँ। अभी इसमें एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें देखना है मार्केटिंग कितनी बार आया, लॉजिस्टिक्स कितनी बार आया, HR कितनी बार आया, काउंट करना है। उसके लिए फंक्शन है काउंटिफ। तो पहले बताता हूँ काउंटिफ कैसे यूज करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम टेबल की वजह से कैसे सॉल्व हो जाता है। अभी बोलना है काउंटिफ में कौन से रेंज में करना है, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट करने का। नाउ जब ये फॉर्मूला नीचे वाले पे कॉपी करेंगे तो B5 का B6 नहीं होना चाहिए, ये फिक्स्ड है, इसलिए डॉलर डॉलर डालते हैं ना, उसका शॉर्टकट है F4, फंक्शन की 4। फिर दूसरा पैरामीटर क्या है कि किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, हम इस रो में जो मार्केटिंग है उसके साथ, इसको डॉलर नहीं डालना है, क्योंकि अगले रो में जब डालेगा तो B5 का B6 होना चाहिए। डाल दिया, ये तो टेबल नहीं है तो फॉर्मूला हमको हाथ से कॉपी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं नया डेटा डालूंगा, HR चौथा डाला, 4 होना चाहिए ना, अभी फॉर्मूला तो कॉपी किया उसने लेकिन 3 ही दिखा रहा है, क्यों, 4 दिखाना चाहिए ना, क्योंकि हमने B11 तक डॉलर डाल के रखा है, गड़बड़ हो गया ना।
अभी ये एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया हमारा। कौन किसको मदद कर रहा है? हम एक्सेल को मदद कर रहे हैं, गड़बड़ है। सो अभी देखेंगे टेबल की वजह से कितना फायदा होता है। सो इधर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन तरीका बेहतर हो गया। सो ले देखते हैं, काउंट इफ तो वही है, अगर मैं सिलेक्ट करते जाऊं तो वही है, लेकिन अभी पूरा जब कॉलम सिलेक्ट होगा तो देखे क्या होता है। वो बोल रहा है, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो, डायरेक्टली नाम मालूम है डाल दो ना भाई। अभी दूसरे में क्या डालना है, उसमें भी तो कैटेगरी है, लेकिन इसमें पूरा कॉलम नहीं चाहिए, करंट रो का कैटेगरी चाहिए। तो इस बार क्या बोलेंगे, इधर यहाँ क्लिक करेंगे तो अपने आप वो एट द रेट ले लेगा, या अगर आपको हाथ से डालना है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट दिस रो और फिर कैटेगरी। अभी क्या हो गया, वही फॉर्मूला हो गया। इसका फायदा क्या है, अगर मैं HR डालूं तो सिर्फ फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा, वो एडजस्ट भी ऑटोमेटिकली करेगा। ये फायदा है टेबल का। सो कितना मेहनत अपना बचा रहा है ये सोचो। आपको ये समझ के आश्चर्य होगा कि ये जो टेबल बोल के चीज है, ये 2007 से है। क्या कर रहे हैं हम, जिंदगी खराब हो रही है, कब से इसका फायदा उठा सकते थे। तो अभी ये समझ गए, जाके अपने सब एक्सेल में टेबल डालना जरूरी है। बहुत मेहनत जाता है उस पर, तकलीफ होता है, बहुत बार एरर आता है, सेम प्रॉब्लम है। सो वी लुकअप को कैसे अच्छा बनाए टेबल यूज करके, वो देखते हैं। सो ये दो टेबल है, इस टेबल में करेंसी का कन्वर्जन रेट है। इस टेबल को मैंने नाम दिया है सी मास्टर। अभी देखना है, यहां से करेंसी उठा रहे हैं, वो करेंसी इधर ढूंढ रहे हैं, और ये जो भी नंबर है वो मुझे इधर चाहिए। तो अभी देखते हैं वीलुकअप कैसे डालने का। क्या चाहिए, वो करेंसी ढूंढना है, वो तो ठीक है, एट द रेट करंट रो। अभी ये टेबल है, ये टेबल हाथ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नाम डाल दो, नाम अगर मालूम है तो नाम डाल दो। दूसरा चीज, सेकंड कॉलम से चाहिए, और लास्ट वाला पूछ रहा है अगर नहीं मिला तो बीच में ढूंढो क्या, जिसको बोलते हैं रेंज लुकअप, जो नहीं चाहिए। नहीं मीन्स फॉल्स, मीन्स मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो एरर दे दो। हो गया, दो एरर आए, ठीक है। क्यों आए, क्योंकि न्यूजीलैंड और यूरो हमारे लुकअप टेबल में नहीं है। तो अभी लुकअप टेबल में डालेंगे और वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये फायदा है टेबल यूज करने का। अभी टेबल की इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, कुछ तो चीज बुरी होगी ना। बुरी तो नहीं है, लेकिन एक जरूरत है टेबल यूज करने के पहले, एक चीज करने का जरूरत है। क्या है कि ये जो ग्रीन मार्क दिखते हैं ना, वो नहीं चाहिए। अगर वो है तो टेबल काम नहीं करेगा। तो ये ग्रीन मार्क क्या है, ये एरर्स है। तो देखते हैं इनको कैसे। ये देखिए, इधर दो ग्रीन मार्क आ गए, हम तो रोज देखते हैं उनको, देखते भी नहीं है, देखने का और इग्नोर करने का आदत हो गया हमको। क्या प्रॉब्लम है, इधर मे का डेटा मैंने लिया ही नहीं है, जो मुझे टोटल दिख रहा है वो गलत है, ये एक्सेल मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। सो अगर हमने उसको देखा नहीं और ऐसे ही टेबल बना दिया, सोच के कि अभी मेरा फॉर्मूला तो टेबल देखेगा, नहीं। अभी देखो, मैं नंबर डाल रहा हूँ, अपना फॉर्मूला चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उधर एरर है। सो टेबल डालने के पहले सब एरर को निकाल देना चाहिए। कैसे निकालना है, बहुत आसान है। देखो पहले क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, फिर देखना है कि इसको अपडेट करूं इग्नोर करूं, इस तरफ अपडेट करना है। ये एवरेज चाहिए, एवरेज में मैं इंक्लूड होना चाहिए ना, तो इसको भी अपडेट करें। तो इग्नोर कब करते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ Q4 यानी जैन फेब मार्च का ही टोटल मुझे चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। सम तो करना है सिर्फ जैन फेब मार्च का, ठीक है। अभी एक्सेल को क्या लग रहा है कि तुमने जैन फेब मार्च तो ले लिया, अप्रैल मई भूल गए क्या। एक्सेल को पता नहीं है तुमने जानबूझ के क्या कि भूल गए। तो एक्सेल का काम है दिखाना, हमारा काम है देखना और एक्शन लेना। इस बार हम क्या करेंगे, ये अपडेट करेगा तो प्रॉब्लम है, हमको ऐसा ही चाहिए। तो इस बार बोलने का इग्नोर करना।
सो ये चीज होने के बाद कोई एरर नहीं बचा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कैसे मालूम और एरर है कि नहीं, वो अगले वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए एरर निकाला ऐसे समझते हैं। अगर एरर ढूंढना है तो फॉर्मूला में जाके एरर चेकिंग करना है। अगर कोई एरर बचा नहीं है तो एरर चेकिंग में क्लिक करने के बाद वो बताएगा कंप्लीट है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में, लेकिन जब तक ये चीज आप देखते नहीं हो तब तक एक्सेल टेबल बना के फायदा नहीं है। अभी हमको मालूम है एरर नहीं है तो अभी सिलेक्ट करके टेबल बना देंगे और फिर टेबल जैसे चाहिए वैसे चलेगा। सो ये मैं डेटा डाल रहा हूँ, क्या हो गया, जो फॉर्मूला जरूरत है वो अपडेट हो गया, जो फॉर्मूला इग्नोर किया वो वैसे ही रहा। अभी ये सब चीज इतने काम की है कि सिर्फ टेबल जब मूड आएगा तो यूज करेंगे ऐसा नहीं है, टेबल हर रोज हर फाइल में यूज करना चाहिए। तो उसके लिए अभी एक रूल बनाना चाहिए हमारे लिए। क्या रूल है, जब फाइल खोलेंगे तो नया डेटा डाला उसको इमीजिएटली टेबल बना दो, पुराना फाइल होगा तो पहले एरर निकालो फिर टेबल बनाओ, फिर जिंदगी सुधर जाएगी। तो अभी आपको समझ रहा होगा कि मैं एक्सेल टेबल्स को आपका जिगरी दोस्त क्यों बोल रहा हूं। तो चलो दोस्त के लिए एक गाना हो जाए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये मैं करता हूं 30 बरस से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताइए कमेंट में डाल के। पावर बीआई और एक्सेल के ऊपर बहुत सारे मेरे वीडियो और आने वाले हैं, देखते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।